मंत्री जी, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि सरकार हर ज़िले में नए मेडिकल कॉलेज बना रही है, उसके लिए सरकार ने बिल्डिंग भी बना रखी है, मगर सिर्फ औपचारिकता के तौर पे सिर्फ बिल्डिंग ही बनाई हुई है, ना कि उसके ऊपर कोई नियुक्ति हो रही है। अब मैं सवाल करता हूँ आपसे कि इसकी कब तक भरपाई होगी? देखिए, 14 मेडिकल कॉलेज तो शुरू है, जिसको हमें NMC से मंजूरी मिल गई, एडमिशन हो गए हैं और क्लासेस चल रही है, और 3 मेडिकल कॉलेज हम इस साल शुरू करने जा रहे हैं, उसके परमिशन मिल चुकी है, नीमच, मंदसौर और सिवनी में, और 6 मेडिकल कॉलेज हम अगले साल शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिगरौली भी है, जिसमें राजगढ़ भी है, जिसमें बुधनी भी है। तो कुल मिला के मेडिकल कॉलेज जो शासन स्तर पर खुले हैं वो सब शुरू हो चुके हैं और शुरू होने जा रहे हैं जी। इसलिए कहना सही नहीं है कि मेडिकल बिल्डिंग बन गई है और कॉलेज शुरू नहीं है। जो बिल्डिंग अधूरी है सिर्फ उसी में कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि किसी का 80% काम जो हो गया, किसी का 90% हो गया। जब तक हम 100% काम नहीं करते, NMC हमको इंस्पेक्शन के बाद मंजूरी नहीं देता है जी। तो इसलिए बिल्डिंग भी चाहिए और उसमें प्रोफेसर्स भी चाहिए। उसके हिसाब से एक बड़ी सफलता है कि 3 मेडिकल कॉलेज हमारे शुरू हो रहे हैं। बाकी जो ज़िले बसते हैं जिसमें सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बना रही है, उसमें हम PPP मोड में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, जिससे कि स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार करने में प्रत्येक जिलों में हम एक स्तर तक पहुंच सकें जी।